मुझे ऐसा लगता है कि हमारे करने से होता नहीं है, अपने आप आ जाता है ध्यान सांसों पे, फिर अपने आप चला जाता है, फिर आ जाता है, फिर चला जाता है, तो हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे ना। यहाँ पर अगेन न्यू मिस्ट्री है कि हम क्या सचमुच में कुछ कर रहे हैं या हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस करने और न करने के बीच में होते हैं, ना तो हम पूरी तरह से कुछ नहीं कर रहे हैं और ना हम पूरी तरह से कुछ कर रहे हैं। मनुष्य इंडिविजुअल जो है वो करने और न करने के एक खेल में चलता है। ध्यान करना है, ध्यान में कुछ तो करना है, नहीं तो फिर करने की बात ही नहीं, फिर तो सब कुछ ध्यान में ही है। तो हम लोग जब बात करते हैं ध्यान में जाओ, तो इसका मतलब कुछ तो क्रिया है, लेकिन कुछ जो क्रिया नहीं भी है, जो अक्रिया है, जो नॉन एक्शन है, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। सांसों पर अपने ध्यान को ले आओ, अगर विपश्यना की ही हम बात करें तो इतना तक तुम्हारे हाथ में है, तुम ला सकते हो, ला सकते हो, इसीलिए ध्यान को एक्टिवेट करना है, अन्यथा तो सांसें चली रही हैं, हमेशा से चल रही हैं। विधि विपश्यना की जब ईजाद हुई तो इसका मतलब हम अपनी चेतना को डायरेक्ट कर सकते हैं, उसे गाइड कर सकते हैं अपनी सांसों को ऑब्जर्व करने के लिए। लेकिन हमारे अंदर विचारों का जंगल भी है, हमारे अंदर विचारों का इतने दिनों का इकट्ठा किया हुआ सारा जंगल भी खड़ा हुआ है, वो अपना काम कर रहा है। वो हमारा कंडीशन रिफ्लेक्स, हमारे माइंड की अपनी कंडीशनिंग जो धक्के देती है, जो उस ध्यान को हटाती है। हम फिर चाहें तो फिर कॉन्शियसली फिर अपने अटेंशन को, अपने ध्यान को वापस ला सकते हैं, ला सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं ला सकता, सब ला सकते हैं। लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद ध्यान जब घटना शुरू होता है तो वो तुम्हारे लाने के हिस्से में नहीं है। तुम सांसों को ऑब्जर्व कर रहे हो और फिर कुछ स्टिलनेस घटती है, कुछ शून्यता घटती है, जो विपश्यना से डिजायरेबल है। क्योंकि सांसों को देखना ही तो कोई मतलब नहीं रहा होगा, सांसों को देखने का कोई खास मतलब भी नहीं, इससे कुछ घटना है, इस एक्टिवेशन से कुछ घटना है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो आता और जाता है, वो कभी आ जाता है, कभी नहीं भी आता है। लेकिन ध्यान को लाना और हटाना भी तुम्हारे हाथ में है, तुम उसको डेवलप कर सकते हो, साधना वही है। तो इसलिए हम एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन में हैं। जब कोई ये सुनता है कि जैसे अभी टोटल एक्सेप्टेंस की मैंने बात की, स्वीकार कर लो कुछ तुम्हारे हाथ में, तो लोगों को समझ में आता है कुछ भी क्यों करें, जब कुछ भी हमारे हाथ में नहीं, सब स्वीकार कर लिया। फिर कोई कहता है सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम ही करोगे तो सब होगा, तो कहता है फिर सब कुछ करेंगे, फिर ध्यान भी हम खींच कर लाएंगे, मेहनत करेंगे, 10 घंटे करेंगे, ध्यान ले आएंगे, तो ध्यान को भी कसरत बना लेता है, जिम बना लेता है, ध्यान नहीं आता। फिर भी हम एक द्वैत के जगत में, और द्वैत क्रिया और अक्रिया का भी है। द्वैत का एक जो फंडामेंटल बेस है वो क्रिया और अक्रिया भी, एक्शन एंड नॉन एक्शन। हम एक्शन ओरिएंटेड भी हैं और नॉन एक्शन ओरिएंटेड, हमारे अंदर दोनों एलिमेंट हैं। तुम जितना तक कर सकते हो उतना करो, और तुमको ये हमेशा पता चलेगा कि तुम इतना तक कर सकते हो, वहाँ तक करते चले जाओ। जहाँ तक तुम नहीं कर सकते होगे वहाँ तुम नहीं ही कर पाओगे, वो तुम्हारे हाथ में नहीं, वो नॉन एक्शन की जोन होगी, वहाँ से चीज़ें अपने आप घटेंगी। तो नॉन एक्शन या नॉन ड्यूअलिटी, अद्वैत की और अक्रिया की बात समझ के कुछ लोग करना बंद करने लगते हैं, तो वो भी उनका एफर्ट है करना बंद करना। वो उस एफर्ट में भी क्यों जाना, अगर एफर्ट करना है तो करने का ही करना है। सामने दरवाज़ा बंद है और तुमको लगता है इसको खुलना चाहिए, फिर तुम्हारे अंदर से आता है चलो उठो खोल देते, फिर तुम्हें लगता है क्यों खोलें, खुलना होगा तो खुल ही जाएगा। अनंत श्री कहते हैं, सारे मास्टर लोग कहते हैं कि ये तो अपने आप होता है, इट सिंपल हैपनिंग, अगर वो खुलना है तो खुल जाएगा, फिर तुम बैठ जाते हो, ठीक है उसको खुलना होगा खुल जाएगा। लेकिन तुम उठ के खोल सकते हो, ये भी एक रियलिटी है, और तुम उठ के खोलने की कोशिश करो,
खुल जाए तो अच्छा है, फिर इंतज़ार भी क्यों करना, किसी का भी इंतज़ार क्यों करना, एग्जिस्टेंस का भी खुल गया, अपना काम करो, आगे जाओ। तुम्हारे खोलने के लाख प्रयासों के बावजूद भी वो न खुले तो तुमने अपना काम कर लिया, फिर वो एग्जिस्टेंशियली खुलेगा। ध्यान भी इसी एक्शन और नॉन एक्शन की ड्यूअलिटी में मूव करता है। कुछ तुम एक्टिवेट करते हो और कुछ एग्जिस्टेंस एक्टिवेट करती है। तुम्हारा वाला तुम्हारे हाथ में है, एग्जिस्टेंस वाला एग्जिस्टेंस के हाथ में, तुम अपना वाला पूरा करो। इसलिए ध्यान को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ना संभव है, लेकिन उसके माध्यम से वो मेडिटेटिव स्टेट, वो स्टिलनेस, वो शून्यता आएगी, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अवेयरनेस, व्हाट इज दैट कम्स, यू स्टार्ट फीलिंग दोज थिंग्स, इट्स गुड। कभी कभी भी होती है तो अच्छा है, इट्स गुड। ध्यान के आफ्टर ट्रिमर्स होते हैं, ध्यान के आफ्टर ट्रिमर्स काफ़ी देर तक आते रहते हैं।